प्रदेश अध्यक्ष व टोहाना के विधायक सुभाष बराला ने आज टोहाना के किसान विश्राम गृह में कार्यकर्ताओं की बैठक की, जिसके बाद उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए इनेलो नेता अभय चौटाला के इस बयान पर कि इनेलो की सरकार बनने पर बिजली के मीटर घरों के अंदर ही लगाए जाएंगे पर कटाक्ष करते हुए कहा कि ना नो मन तेल होगा और ना राधा नाचेगी। उन्होंने कहा कि इनेलो की सरकार बनने से पहले पूर्व मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी कि हमारी सरकार बनने पर ना मीटर होगा और ना ही रीडर होगा, मगर सरकार बनने के बाद मीटर भी था और रीडर भी था, लेकिन बिजली के बिल ना भरने के कारण लोगों को बिजली का संकट झेलना पड़ा था। ना नो मन तेल होगा ना राधा नाचेगी, ये कहावत पहले भी चरितार्थ हुई है और आने वाले समय में भी चरितार्थ होगी, क्योंकि मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने जगमग योजना के तहत जो ग्रामीण क्षेत्र में भी आम उपभोक्ता को जो घरेलू बिजली है वो 24 घंटे देने का वायदा किया, सरकार उस वायदे को पूरा करने की तरफ बढ़ती दिखाई दे रही है, इसलिए वो लोगों में भ्रम फैला करके और इस प्रकार की स्थिति पैदा करना चाहते हैं कि लोग सरकार की इस जो घोषणा है इसके साथ वो नाच लें, इसका विरोध करें। और मुझे लगता है कि इन लोगों की आदत बन चुकी है, पहले भी जब चौधरी ओम प्रकाश चौटाला मुख्यमंत्री नहीं थे, हरियाणा में जो बिजली की समस्या खड़ी हुई थी, लोगों ने बिजली के बिल भरने से मना किया था, उन्हीं के नारे पे किया था, उन्होंने कहा था कि मेरी सरकार आएगी तो मैं बिजली के बिल माफ़ करूंगा, ना मीटर होगा ना रीडर होगा। सरकार उनकी आई, मीटर भी रहा रीडर भी रहा, लेकिन लोगों के बिजली के बिल इतने ज़्यादा हो गए कि लोगों ने बिजली के बिल भरने से असमर्थता जाहिर की और जिसके कारण से बिजली का बहुत बड़ा संकट हरियाणा में पैदा हुआ। तो हरियाणा की जनता ने इनके तो नारे देख लिए हैं, इसलिए इनके बहकावे में इनके लारे में नारे में हरियाणा की जनता आने वाली नहीं है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर को उन्होंने सलाह दी कि कांग्रेस के चिंतन शिविर की जगह वो अपने बारे में चिंतन करें। कांग्रेस के साइकिल यात्रा और रथ यात्रा पर उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि दोनों नेता अलग अलग चल रहे हैं, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी उन्हें एक नहीं कर पा रहे। तो इनको शुभकामनाएं देता हूँ अशोक तंवर जी को कि ये दोबारा से इनको अध्यक्ष की कुर्सी इनके नेतृत्व में सौंपी है, इनको आने वाले समय के लिए शुभकामनाएं। लेकिन एक काम वो जरूर कर ले, जैसे अब पीछे कहते हैं कि वो चिंतन शिविर करने वाले हैं, कुछ और कार्यक्रम करने वाले हैं, एक चिंतन शिविर अपनी पार्टी को किस प्रकार से वो अपने साथ लेकर के चलेंगे इस बात का भी उनको कर लेना चाहिए। ये जो एक ही पार्टी के अंदर इस प्रकार से जो उनका चलता है, एक नेता इधर चलता है दूसरा नेता दूसरी तरफ चलता है, मैं समझता हूँ कांग्रेस पार्टी के लिए और इनके अध्यक्ष के लिए सबसे बड़ी चुनौती यही है कि किस प्रकार से एक मंच के ऊपर लेकर के वो इनको आते हैं। मैं तो इनको केवल आज ये लोहड़ी का त्यौहार है इस पर यही शुभकामना देता हूँ कि वो अपने परिवार को ठीक लेकर के चलें।